नमस्कार दोस्तों, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस साल की बारिश ने भारत पाकिस्तान समेत कई साउथ ईस्ट एशिया के देशों में बाढ़ ने अपना कहर दिखाया है। तो वहीं सबसे अधिक इससे प्रभावित पाकिस्तान हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का लगभग एक तिहाई हिस्सा आज भी बाढ़ से ग्रस्त है। तो वहीं यूएन ने पाकिस्तान को मदद की घोषणा की है, जिससे वहां पर विनाशकारी जो बाढ़ है उसके द्वारा कई सारी बीमारियां तथा हजारों लोगों की डेथ हुई है। तो पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पाकिस्तान में भोजन, साफ पानी और अन्य आपातकालीन राहत आपूर्ति प्रदान करना हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जो भीषण बाढ़ आई है, इससे उन्हें काफी जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया ही पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी शुक्रवार को पाकिस्तान की बिगड़ी बाढ़ की स्थिति में पर चिंता व्यक्त की। वहीं इस पर यूनाइटेड नेशन की प्रवक्ता कनेको ने कहा कि हमारे सहयोगियों ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 14 मोबाइल क्लिनिक भी तैनात किए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की टीम और मानवीय सहयोगियों ने देश में शरणार्थी और अन्य समुदायों को टेंट, प्लास्टिक त्रिपाल, खाना पकाने के स्टोव, कंबल, सोलर लैंप और स्लीपिंग मैट सहित 71,000 से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भी वितरित की है। कनेको ने आगे कहा कि सहायता की आपूर्ति और लोगों के घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों को ले जाने में जो बाधा भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अब तक यहां करीब 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तथा 243 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे आने जाने वाली कनेक्टिविटी का संपर्क भी टूट गया है। 30 अगस्त को ईएसए की तस्वीरों के अनुसार सामान्य से 10 गुना से अधिक बारिश ने सिंध नदी अतिप्रवाह का कारण बना दिया, जो कि कई किलोमीटर चौड़ी एक लंबी झील का निर्माण भी कर रही है। इसमें करीब 11 लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की इस बाढ़ से अफगानिस्तान में भी इसका खासा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पाकिस्तान की विनाशकारी बाढ़ ने पड़ोसी अफगानिस्तान पर भी प्रभाव डाला है। इस बाढ़ का असर अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर पड़ेगा। इससे देश के भोजन प्राप्त करने के प्रयासों पर भारी दबाव भी पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि अधिकांश खाद्य सहायता पाकिस्तान से सड़क मार्ग से ही पहुंचाई जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान का सड़क मार्ग इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा बाढ़ से गेहूं की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं तथा हजारों लोगों का जान का नुकसान भी हुआ है। तथा यूएन की प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बाढ़ से पहले भी गंभीर थी, जिससे 43% लोग खाद्य असुरक्षित थे। वही ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर देश 116वें में से 92वें स्थान पर था। मानसून की बारिश ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को जलमग्न तो कर ही दिया है तथा जून के बाद आई बाढ़ में 1,000 से अधिक लोगों की जान भी चली गई है। तथा आपको बता दें कि इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस बाढ़ को लेकर, जो कि पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में नजर आ रही है। तो वहीं पाकिस्तान को दुनिया सहित यूएन भी मदद के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नमस्कार।